बातें की, कैसी लगी आपको? पहले तो अंकल बोल दिया, मेरा दिल ही तोड़ दिया। इतनी रोमांटिक पिक्चर देखने आया हूँ, आप अंकल बोल रहे हो, नो प्रॉब्लम। मेरे को पिक्चर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी, जरा भी अच्छी नहीं लगी, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं, ईशान तो बच्चा लग रहा है उनके सामने। जो मेरे को फील हुआ, नॉर्मल ऑडियंस को जो फील होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको फिल्म अच्छी क्यों नहीं लगी? मेरे को इसलिए अच्छी नहीं लगी कि भाई ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं किया है उन लोगों ने। बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया होता तो और थोड़ा अच्छा लग सकता था। अब जैसे कि सायराट की बिरयानी बनाई उन्होंने, मैंने सबको बोला है, वो स्वादिष्ट बनी, तो करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन ने उसको चोरी किया या उनसे खरीद लिया कि भाई रेसिपी हमको बनानी है। अब हमने देखा कि उसने नॉर्मल चावल की जगह बासमती चावल डाल दिए, ड्राई फ्रूट डाले, गार्निशिंग अच्छी की है। आपको कोई हिसाब से लगता ही नहीं है कि गांव के लड़के हैं ये लोग। ये सब ऐसे रॉयल लुक लग रहे हैं, हीरो भी रॉयल लग रहा है। मेरे को कोई ऐसा लगा नहीं कि गांव का है। वो जो सायराट का रियलिटी था वो इसने खो दिया। तो अगर एक्टिंग की बात करें तो जानवी और ईशान ने एज एन एक्टर कैसा परफॉर्म किया? नहीं, जानवी जी को मैं बहुत अच्छा लाइक करता हूँ यार, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। मैं बड़ा फैन हो गया हूँ, ये एज का पहला फैन होगा जानवी जी का। बाकी तो उसके 2 मिलियन व्यूअर्स हैं। तो आपको लगा कि श्रीदेवी की झलक आती है? हाँ हाँ, पक्का आती है, पक्का आती है। बट यही बोलना चाहूँगा कि ये कॉपी पेस्ट वाली पिक्चर नहीं करे, कोई अच्छे डायरेक्टर अच्छी स्टोरी करे, अच्छी स्टोरी करनी चाहिए। हाँ जी। और डायरेक्शन की बात करें तो आपको कहाँ पे लगा कि ये फिल्म बोरिंग है? शशांक नहीं, आशुतोष राणा जी की भी एक्टिंग इसमें अच्छी नहीं है। मेरे को समझ में ही नहीं आया ये लोग क्या कर रहे हैं। और आपने अगर पिक्चर देखी हो तो पब्लिक हंस रही है इमोशनल सीन पे। हमको लास्ट में तो मालूम ही नहीं चला क्या हुआ, हमको लगा ये साउंड इसका बंद हो गया। हमने 2-3 बार चिल्लाया, साउंड चालू करो, फिर पता चला पिक्चर खत्म हो गई। नथिंग, कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को, कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को, टू बी वेरी फ्रेंक। जानवी जी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगा ये मूवी। वैसे तो 0 स्टार मिलना चाहिए, पर 1.5 जानवी जी के लिए। थैंक यू सो मच। मस्ट वॉच मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी, और डेब्यू एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। तो ईशान और जानवी ने कैसे कैसा परफॉर्म किया एज एक्टर्स? केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है, और फर्स्ट टाइमर के लिए तो बहुत काफी अच्छा किया। और जानवी और ईशान में से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म किसने किया? जानवी। तो स्टोरी वाइज कैसा लगा आपको? ये सैराट जैसी थी या उससे बेहतर थी? अलग अलग तो डिफरेंस से ज्यादा अच्छी, बेहतर नहीं बोल सकते, अलग बोल सकते हैं, अलग बोल सकते हैं, उससे कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपने साइड पर, अपने अपने साइड। सॉन्ग कैसे लगे आपको? आया तो अच्छे से, टाइटल ट्रैक और बाकी सब, टाइटल ट्रैक से लेकर मींस गूज बम्स वाले हो जाते हैं थोड़े, एकदम होते ना ग्रैंड, ये सब ऐसे हो जाते हैं। तो आपको क्लाइमैक्स कैसा लगा इस फिल्म का? वही बेस्ट था, काफी अच्छा, रिकमेंड किया हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को देखो, ला स्टार्टिंग तक देख के लास्ट एंड तक चले जाओ, चले जाओ इंटरवल 5 मिनट पहले चले जाओ, नहीं तो बेचारों का धड़क ही बंद हो जाएगा, दिल धड़क देगी बहुत। तो आप इसे कितने स्टार्स देंगे? 4.5 क्योंकि जानवी के फैंस हैं यहां पे, तो आप जानवी को क्या मैसेज देंगे इसके बाद? Waiting for next movie. Next movie. Yeah, you like your mom. Super bad. Eyes एकदम eyes से प्यार हो गया, बस eyes हो गया, voice हो गया, accent हो गया बोलने का, बस next श्रीदेवी आया, वापस आ गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सैराट जितनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। देखो मैं पंजाबी हूँ और मैं मराठी फिल्म, मेरे को एक फ्रेंड ने बोला यार सैराट देखी तूने, वो जिंगाट गाना सुना था बड़ा, मैं बोला यार बड़ा अच्छा गाना है, तो मेरे एक रूममेट आया वो मराठी था, सो ही वाज फ्रॉम पुणे, तो बोला तूने सैराट देखी? मैंने बोला नहीं यार सैराट नहीं देखी। उसने बोला सैराट देख, मैंने लैपटॉप खोला, और अच्छा हुआ कि उसमें हिंदी सबटाइटल्स थे, तो मराठी थोड़ी बहुत बॉम्बे में रह के समझ में आने लग गई है, लेकिन पूरी नहीं आती थी। सो मैंने देखा, फिर मैंने बोला सबटाइटल्स को मारो गोली, सबटाइटल्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि द डायरेक्शन वो सो ब्रिलियंट, इतना अच्छा म्यूजिकल डायरेक्शन था डायरेक्टर का, कुछ अलग देखना। मैं क्या लड़का लड़की का प्यार तो बहुत देखा है, इसमें क्या मैं देखे जा रहा हूँ। मैं क्या, मुझे वर्ड समझने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, अगर सैराट बहुत सारे लोगों ने देखी है, समझने की जरूरत ही नहीं है, जो डायरेक्शन है ना, जो प्यारा डायरेक्टर होता है वो डायरेक्शन से अपनी बहुत सारी चीज़ें बोल जाता है। नहीं, धड़क में जो डायरेक्टर है हमारे शशांक खेतान साहब, हम्प्टी शर्मा वाले, हाँ उन्होंने बहुत जगह बहुत कुछ गड़बड़ की है, ठीक है, म्यूजिकल तो छोड़ो, ठीक है, आप हम्प्टी शर्मा जैसी पिक्चर ही बनाओ,
देता हूँ, ठीक है, वरुण धवन को नचाओ, आलिया भट्ट को नचाओ, ठीक है, हाँ नहीं अच्छे थे, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो इट वाज वेरी बैड, लेकिन नहीं यार वो मत छोने की कोशिश करो, दूर है बहुत। तो आपको लगा कि जानवी और ईशान ने उतना अच्छा किया जितना सैराट के एक्टर ने किया? आर्ची ने बहुत अच्छा किया था, ठीक है, आर्ची ने बहुत अच्छा किया था, जानवी ने उसके कंपैरिजन में नहीं, बच्ची है यार वो, क्यूट है, ठीक है, शी वाज गुड, मतलब अगर क्यूट ही बोल के ये नहीं बोलूंगा कि यार नहीं यार क्यूट थी तो बस, उसको परफॉर्मेंस वाज ओके, शी वाज गुड, शी वाज नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। और ईशान खट्टर की बात करो तो यस डेफिनेटली यस, आई लव ईशान खट्टर, क्योंकि स्पेशली जो टोन था ना, क्योंकि पर्सनली बींग एन एक्टर तो जो टोन हम देखते, सबसे पहले यार डायलेक्ट कैसे पकड़ा है इसने, ठीक है, अगर मुझे बोल दिया जाए ना कि आपका रोल अदा करने के लिए, तो मैं आपका रोल अदा इस तरीके से करूँगा कि आपका डायलेक्ट पकड़ूंगा सबसे पहले, ठीक है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड एज एन एक्टर यस परफेक्टली फाइन, वो माजिद मजीदी के साथ फिल्म कर चुका है यार, तो बंदे में कुछ तो बात है, एंड ही इज गुड, ही इज वेरी गुड। ईशान को देखिए स्पेशली व्हेन ही स्माइल्स, और जब डांस करते हुए एक एक्सप्रेशन रहता है ना, जब स्माइल करते हुए इधर जाता है तो टोटल शाहिद कपूर लगता है। हाँ एक स्पेशली मैं एक सीन कोट कर देता हूँ आपको, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, धड़क का जो टाइटल ट्रैक है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं धड़क का जो टाइटल ट्रैक है ना, वो एक सीन है जहाँ पे वो लोग दौड़ रहे होते हैं और जानवी क्रॉस करती है, उसके बाद वो क्रॉस करता है, वो स्माइल करते हुए इस तरफ जाता है, मैं क्या शाहिद, मैं आई लाइक शाहिद, डिट्टो शाहिद, उसमें डिट्टो शाहिद कपूर लगा हुआ, हाँ आवाज़ में आती है और उनकी आँखों में आती है, हाँ लेकिन एक्टिंग में बच्ची है अभी, फर्स्ट फिल्म है, शी इज़ गुड, मतलब ऐसा भी नहीं है कि यू नो जैसे अब आलिया भट्ट जैसे हैं, अब टॉप रेटेड एक्टर्स में से बोला जाता था, पहली फिल्म में उनको गालियाँ पड़ रही थी, कौन है ये कहाँ से आ गए, लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू आलिया भट्ट एंड इफ अ फर्स्ट मूवी यस जानवी वाज गुड, गुड यस। सैराट और धड़क वॉज हिंदी फिल्म थी, हिंदी फिल्म जिसको जिसने सैराट नहीं देखी है वो धड़क को एंजॉय करेगा, जिसने जिसको रेस 3 जैसी फिल्म अच्छी लगी थी उसको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, सुपर हिट लगेगी, ठीक है, और सैराट जिसने देखी है उसको ये फिल्म पसंद नहीं आने वाली। सैराट से कंपेरिजन 2/5 एंड इंडिपेंडेंट फिल्म 3/5।